गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। आज हम देखेंगे गरीबी या निर्धनता के कारण। पिछली कक्षा में हमने देखा था गरीबी की अवधारणा को और भारतीय संदर्भ में गरीबी किस स्थिति के अंतर्गत आज है उसकी चर्चा हमने की थी। आज हम देखें कि गरीबी के या निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारण हम निर्धनता का देखते हैं वह जनसंख्या वृद्धि है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो दर है हमारी, वह सबसे बड़ा कारण। वैसे अगर हम बात करें तो जितनी भी समस्याएं हैं उनके कारणों के अगर हम देखें तो ये कारण सारे आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एक कारण के से दूसरी समस्या है, उससे तीसरी उत्पन्न है, तीसरी से चौथी, और ये सारी समस्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक कारण को हम किसी एक समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं, उसके पीछे बहुत सारे दूसरे कारण साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आज गरीबी के कारणों में बढ़ती हुई जनसंख्या दर। अब भारत के अंतर्गत जो जनसंख्या की दर है वह बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर में गिरावट हो रही है। जब जनसंख्या की दर बढ़ रही है तो उस अनुपात में हमारी दूसरी जो चीज़ें हैं, मुख्य रूप से खाद्यान्न जो है, वह उस अनुपात में वृद्धि नहीं कर पा रहा। और जब उस अनुपात में खाद्यान्न में वृद्धि नहीं हो रही है तो लोगों को पौष्टिक भोजन मिलना संभव नहीं हो पा रहा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा खाद्यान्न न होने के कारण, तो गरीबी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वह सब लोगों के पास में नहीं पहुंच पा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी तो खराब स्वास्थ्य देखने को मिल रहा है। वित्तीय संसाधनों की कमी हमारे पास में दिखाई दे रही है। तो ये जितनी भी है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है हमारी वह भी घटती हुई जा रही है। इस कारण जनसंख्या वृद्धि जो है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और गरीबी के लिए भी वह एक बहुत बड़ा कारक जो है वह उभर करके सामने आता है। दूसरी बात हम कह रहे हैं बुनियादी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वे लगातार बढ़ रही है। अर्थात बुनियादी वस्तु क्या है व्यक्ति के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और इनकी कीमतें हम देखें तो लगातार बढ़ती हुई चली गई हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। लोगों की जो रीच है उस रीच से वह बाहर जा रही है। सामान्य व्यक्ति उनको आसानी से खरीद नहीं पा रहा। तो हम कह रहे हैं कि बुनियादी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण जो है वह नहीं हो रहा, तो उसके कारण भी व्यक्ति गरीब हो रहा है। तीसरी बात हम कहते हैं आय के संसाधनों का असमान वितरण। भारत के अंतर्गत या विश्व में हम देखें तो आय जो है उनका असमान वितरण, कहीं पर व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है, कहीं पर व्यक्ति के पास कोई भी धन नहीं है। बस अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है जीवित रहने के लिए उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा। तो आय के जो संसाधन हैं वो बहुत असमान हैं। अब असमान वितरण का कारण क्या हो सकता है? असमान वितरण का कारण हो सकता है कि एक तो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा तो उसके पास आय आ ही नहीं रही है, या दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है तो उसके पास आय ज़्यादा आ रही है। तो यह कोई भी कारण हो सकता है। उसके बाद हम कहें भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें जाति प्रथा को देखें या संयुक्त परिवार व्यवस्था को देखें या अंधविश्वासों को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। जाति प्रथा के अंतर्गत बहुत सारे जातिगत बंधनों के साथ व्यक्ति को रहना है। अब इन जातिगत बंधनों को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति चाहे कुछ भी हो लेकिन उसे उन नियम कायदे कानून को मानना ही पड़ता है। और उसके अंतर्गत हम देखें तो मृत्यु भोज की प्रथा जो है वह देखी जा सकती है, दहेज प्रथा है या अन्य दूसरे रीति रिवाज बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी व्यक्ति उतना खर्चा जितना वो कह रहे हैं वह नहीं करना चाहता, संक्षिप्त रूप में या सूक्ष्म रूप में उसको करना चाहता लेकिन जातिगत नियम उसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो व्यक्ति कर्ज लेकर के भी उस कार्य को करता है तो गरीबी वहाँ पर आती है। इसी प्रकार से संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था भारतीय समाज के अंतर्गत हम देखें
तो वह भी गरीबी के लिए एक उत्तरदायी, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति रह रहा है उसको यह पता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के अंतर्गत होगी, चाहे वह कोई कार्य करे अथवा ना करे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति को लगता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और वह काम नहीं करता है, तो आमदनी का जो सोर्स आपके पास है वह कम हो जाता है और खर्च आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वह भी एक गरीबी के लिए उत्तरदायी कारक देखा जाता है। साथ में हम कहें कि अंधविश्वास जो है वह बहुत अधिक यहाँ पर देखा जा सकता है। अब अंधविश्वास क्या है? भाग्य में विश्वास कि जो कुछ नसीब में लिखा हुआ है, जो कुछ पुराने कर्मों का फल है, वो तो मुझे भोगना ही होगा, और व्यक्ति इस अंधविश्वास के साथ, इस भाग्यवादिता के साथ में जीवन व्यतीत करता है और कर्म जो है इस जन्म में जितने करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, वह नहीं करता है। तो इस कारण भी हम देखते हैं कि गरीबी समाज के अंतर्गत दिखाई देती है। उसके बाद हम कहें अशिक्षा, व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उसने ज्ञानार्जन नहीं किया है, तो रोजगार के अवसर उसके पास में उपलब्ध नहीं है। जब शिक्षित नहीं है तो दूसरे जो लोग हैं, चाहे वह साहूकार हो, जमींदार हो, दूसरे लोग, वह उसकी इस अशिक्षा का फ़ायदा उठाते हैं और उसके जो कार्य उसने कर लिया है या जिन चीज़ों को उसने चुका दिया है, साहूकार है तो उससे वह कर्ज लेता है तो कर्ज चुका रहा है, लेकिन क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, शिक्षित नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो साहूकार उस कर्ज को कभी बताता ही नहीं है कि उसका कर्ज पूरा हो चुका है, और व्यक्ति से वह कर्ज वसूलता रहता है और व्यक्ति जो दे रहा है वह गरीब स्थिति के अंतर्गत अपना जीवन यापन करने को मजबूर होता है। तो अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण हम देखते हैं कि गरीबी के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद बेरोजगारी या बेकारी, वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षित लोग हैं उनको भी संपूर्ण रोजगार उपलब्ध यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो बेरोजगारी की स्थिति जो है वह भारत में और विश्व में सब जगह पर देखी जा रही है। तो बेरोजगारी नहीं है, व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, रोजगार का अवसर उसके पास नहीं है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो रोजगार के जितने भी अवसर सरकार निकालती हैं, अधिकतर आज की तारीख में हम देखें तो कोर्ट के अंतर्गत या न्यायालय के अंतर्गत वो पेंडिंग है, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी कमी के चलते कोर्ट में रिट लग जाती हैं और व्यक्ति का सिलेक्शन होने के बाद भी 2-3 साल तक उसका न्यायालय में निपटारा नहीं हो पाता है और वो प्रक्रिया के अधीन रहता है और उसको रोजगार प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे रोजगार के जो पद हैं वह सरकार ने जो पहले हुआ करते थे लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने उनको समाप्त कर दिया है, तो बेकारी या बेरोजगारी की जो स्थिति है वह भी बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ गई है, जिसके कारण हम गरीबी देखते हैं। उसके बाद हम कहें कि जो कृषि व्यवस्था है भारत के अंतर्गत वह पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून के समय कम बारिश हुई तो कृषि अच्छी नहीं होगी, तो व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है तो फसल उसकी जो तैयार खड़ी हुई है वह बर्बाद हो जाएगी और इस कारण से उसको नुकसान होगा। तो जो एक पर्याप्त बारिश होनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा बारिश है तो उसको, जो कृषक है उसको बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी जो पूरा कमाई का साधन था वह साधन समाप्त हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण उसको जो आय प्राप्त होनी चाहिए थी वह आय उसे प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद हम देखें भ्रष्टाचार, भारत और विश्व में हर जगह पर हम देखते हैं भ्रष्टाचार कम या ज़्यादा के रूप में है। भारत के अंतर्गत भ्रष्टाचार की व्यवस्था व्याप्त है, हम सब जानते हैं इस बात को। अब जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वह तो कर पूरा दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नौकरी के बाहर दूसरा काम कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से वह अपनी आय को छिपाता है, और जो कर सरकार को उसे देना चाहिए, जिसके माध्यम से प्रति व्यक्ति
राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो सकती है वह उस कर कर को छिपा लेता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। जो सरकारी माध्यम से खर्च होना चाहिए पैसा, वह पैसा भी खर्च नहीं हो पाता है, और इस कारण से हम कहें तो समस्या उत्पन्न होती है। सरकारी और गैर सरकारी जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार दिखाई देता है, चाहे वह मनरेगा हो चाहे कई दूसरी योजनाएं हों, हमको हर किसी में भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जिसके कारण जो लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता है, और गरीबी की समस्या ऐसे ही बनी रहती है। हम देखें तो आज गरीबी हटाओ का नारा दिए हुए आधा दशक होने आया, लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हो पाई है। जो कम होनी चाहिए थी जिस स्पीड से, उस स्पीड से भी हम उसे कम नहीं कर पा रहे। सामाजिक कुप्रथाएं, बहुत सारी कुप्रथाएं जो हैं वो भारतीय समाज के अंतर्गत व्याप्त, मैंने आपको बताया दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, या जातिगत नियम हैं उनके आधार पर देखें, विवाह संबंधी खर्चे हैं हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हैं, व्यक्तियों में होड़ लगी हुई रहती है कि इसने इतना खर्च किया मुझे इससे ज़्यादा करना है, और उस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाते हुए इतना अधिक ये खर्च होने लग गया कि जो व्यक्ति निम्न तबके का है वह भी समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने लगा, और उसके लिए वह कर्जा लेने लगा, और जब एक बार कर्जा लेना शुरू कर दिया उसने तो वह अपनी गरीबी के साथ में जुड़ता चला गया, वह कभी उससे उबर ही नहीं पा रहे। उसके बाद हम कहें युद्ध, जब दो विश्व युद्ध हो गए तो पश्चिमी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग चौपट हो गई, समाप्त, बहुत खराब स्थिति के अंतर्गत आ गई, तो उसने जो संपूर्ण विश्व था उसको प्रभावित किया, तो एक आर्थिक मंदी का दौर जो था वो वहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण जो सक्षम लोग थे या उच्च वर्ग के धनाढ्य वर्ग के पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनकी आय भी बहुत कम हो गई, और वे भी बहुत निम्न स्तर पर आ गए, और जिनके पास आय पहले ही कम थी वे गरीबी रेखा के भी नीचे चले गए। इस युद्ध के अंतर्गत ज़्यादातर पुरुषों की मृत्यु हो गई, अब महिलाएं और बच्चे बच गए। अब महिलाओं और बच्चों की संख्या जो थी वह बहुत अधिक हो गई, तो वे मुख्य रूप से आय का उनके पास कोई साधन नहीं था, और वे दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हो गए, या राज्य या सरकारों के ऊपर जो है वह उनकी निर्भरता वहाँ पर दिखाई देने लगी, तो इस कारण भी आपके पास जो कार्य थे या आय के जो स्रोत थे वो वहाँ पर नहीं देखने को मिले। उत्पादन की जो संपूर्ण प्रक्रिया थी वह इस विश्व युद्ध के कारण पूरी तरह से प्रभावित हो गई, जहाँ उत्पादन होना था या जहाँ से कच्चा माल आना था वहाँ से कच्चे माल नहीं आ पा रहा, तो आपके पास उत्पादन नहीं हो पा रहा, उत्पादन नहीं हो रहा तो उत्पादन के कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो ये जो सारी स्थिति थी युद्ध के कारण, दो विश्व युद्धों के कारण, और फिर आर्थिक मंदी का जो दौर आया उसके कारण भी गरीबी जो है वह समाज के अंतर्गत बहुत अधिक फैली हुई नजर आती है। उसके बाद हम देखें आलस्य और निष्क्रियता, जब भाग्य में बहुत अधिक विश्वास हो जाता है व्यक्ति को कि जो कुछ है वह भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, पुराने कर्मों का फल है वह तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, तो व्यक्ति आलस, ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है, कहाँ ज़रूरत है कुछ करने की, ऐसी भावनाओं के साथ में जुड़ जाता है, तो हम देखते हैं कि उसका जीवन जो है वह निष्क्रिय, क्रियाशील नहीं रहता, कार्य करने में उसको अच्छा ही, और कार्य कर रहा है और उसको स्थिति को सुधारने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा या नहीं सुधार पा रहा, तो भी उसमें एक अजीब सी निष्क्रियता और कार्य के प्रति उदासीनता जो है वह दिखाई देगी। मिक्सम कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण दोहन, भारत में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जमीन के नीचे खनिज,
दूसरे अन्य पदार्थ, तेल, स्वर्ण और ये दूसरे पदार्थ धातु, लेकिन इन सब पदार्थों का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पा रहा। जब पूर्ण रूप से इनका दोहन नहीं हो पा रहा तो चाहे वह जानकारी के अभाव में दोहन नहीं हो पा रहा हो, या सरकार इतनी अधिक सक्षम नहीं है या इतनी अधिक तकनीकी विकसित नहीं है कि हम उनका दोहन कर पाएँ, जब उनका प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन नहीं कर पा रहे तो वे हमारे राष्ट्रीय आय के साथ में काम नहीं आ पा रहे, हम उनका उपभोग नहीं कर पा रहे और लोगों की जो स्थिति है उसको हम सुधार नहीं पा रहे। उसके बाद हम कहें प्राकृतिक आपदा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी के लिए। हम कुछ क्षेत्रों में देखते हैं कि हर वर्ष बाढ़ आती, बाढ़ के बाद की जो स्थिति है वह बहुत अधिक भयावह, पूरे के पूरे गांव जो हैं वह विस्थापित हो जाते हैं, व्यक्ति का सब कुछ बह जाता है, जितना कुछ उसने अर्जन किया वो अचानक से आई इस बाढ़ के कारण सब कुछ ले जाती है। तो व्यक्ति के पास जितना ही कुछ बचा हुआ उसका साधन था, आय थी, वह भी सारी उसके अंतर्गत व्यर्थ हो जाती है और व्यक्ति वापस से पहली सीढ़ी से चढ़ना प्रारंभ करता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक रूप से वह अक्षम हो जाता है। यही स्थिति अगर अकाल पड़ जाए, बारिश ही ना हो, तो अभी भी उसके सामने यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके जो खेत खलिहान हैं, पशु हैं, उनके लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है, फसल जो होनी थी उसके लिए पानी नहीं मिला, फसल हुई नहीं, और फसल के लिए उसने जो खर्च कर लिया वो पैसा उसके पास में नहीं आ पा रहा, उसने साहूकार से या किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर के उस कार्य को किया, अब उस उधार को चुकाने का पैसा उसके पास नहीं है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे अकाल हो, तो ये भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण समाज में देखा जाता है। भारत में इस जो हर वर्ष बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हर वर्ष यह बात उठती है कि भारत में नदियों को जोड़ा जाए ताकि इतना जो विनाश होता है इस विनाश को कम किया जा सके, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, नौकरी से रिटायर हो गया, अब उसके पास आजीविका का साधन नहीं है, तो उस कारण से गरीबी देखी जा सकती है। कोई बीमार हो गया और ऐसी बीमारी हो गई कि लंबे समय तक उसका इलाज चल रहा है, उस कारण से उसकी नौकरी चली गई है, तो भी गरीब के अंतर्गत जो स्थिति है वह पहले बीमारी का खर्च बहुत अधिक और आपकी आय का साधन भी चला गया, तो वहाँ पर भी गरीबी स्थिति को देखने को मिलेगी। अगर व्यक्ति दिव्यांग है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है तभी भी हम कहते हैं कि वहाँ पर आज की तारीख में तो दिव्यांग के लिए भी सरकार ने रिजर्वेशन की बात कर रखी है, लेकिन जितने लोग हैं उन सभी को रोजगार का अवसर वहाँ पर दिव्यांग होने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर एक गरीबी का कारण हम इसको देखते हैं। अपव्यय की आदत, दिखावे में बहुत ज़्यादा अपव्यय करने की आदत है, आमदनी तो अठन्नी और खर्चा हमको रुपया करने की आदत है, तो अगर आपकी ये आदत है तो वह भी एक व्यक्तिगत कारक है गरीबी के लिए उत्तरदायी का। उसके बाद हम देखें जमींदारी प्रथा। भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में जमींदारी प्रथा थी, स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, कानूनन उसको समाप्त करने का कार्य किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, यह सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। और आज भी हम देखें तो गांवों के अंतर्गत एक व्यक्ति के पास बहुत सारी ज़मीन है और दूसरे लोग जो हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वह उस जमींदार की जो कृषि योग्य भूमि है उसको या तो किराए पर जोतने के लिए लेते हैं
या उसके ऊपर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और उसकी उपज का कुछ हिस्सा अपने लिए प्राप्त करते हैं। तो यह जो स्थिति है वह भी गरीबी के लिए उत्तरदायी। और जमींदारी प्रथा हम जानते हैं कि शोषण के साथ में जुड़ी हुई है। जब व्यक्ति का वहाँ पर शोषण हो रहा है, काम पूरा कर रहा है और उसको आमदनी या उसकी जो आय होनी चाहिए, उसको जो कुछ मिलना चाहिए था, वह पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से एक और व्यवस्था है, वह है साहूकार प्रथा। तो साहूकार की जो प्रथा को हम देखें तो वह भी समाज के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, विशेष रूप से जो धनाढ्य व्यक्ति होता था वो साहूकार है। उसके पास पैसा है, वो किराए पर ब्याज के ऊपर पैसा देता था, उधारी पर। अब उस साहूकार का ब्याज ही कभी पूरा नहीं होता था। मूल राशि की बात तो हम बहुत दूर की सोचते हैं। एक बार दे दिया उसने ऋण पर पैसा, तो आजीवन वह उस ऋण को चुकाता ही रहता था। न केवल वह, वरन उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उन ऋण को चुकाती रहती थी, जिसके कारण हम कहें कि गरीब और अधिक गरीब स्थिति के अंतर्गत और अधिक खराब आर्थिक स्थिति के अंतर्गत चला जाता था। नेक्स्ट, औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद या उससे फिर थोड़ा सा ब्रिटिश राज आ गया तो हम कहते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ करी। जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो धीरे धीरे भारत के जितने कुटीर उद्योग धंधे थे, छोटे छोटे, जो कि गांवों को आत्मनिर्भर बना रहे थे, वे कुटीर उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जब कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए और उनकी जगह मशीनें आ गईं, तो जो कार्य करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, अब वहाँ पर एक या दो लोगों की आवश्यकता होने लगी और बाकी सारे लोग जो हैं वह बेरोजगार हो गए। तो उस औद्योगिकरण के कारण भी हम कहते हैं कि गरीबी की जो स्थिति है वह भारत के अंतर्गत विकसित हुई। पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी कुछ लोगों के हाथ में है, केंद्रित है, और वह जब चाहे, जिस प्रकार से चाहे, उस पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, और श्रमिकों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो उस पूंजीपति की उद्योगों में कार्य कर रहे हैं श्रमिक, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वह जब चाहे उनको काम पे रख सकता है, जब चाहे उनको निकाल सकता है, ऐसी स्थिति थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिसके पास पूंजी थी उसकी पूंजी और अधिक बढ़ती गई, और जिसके पास में पूंजी नहीं थी उसका जीवन और भी अधिक धीरे धीरे खराब होता हुआ चला गया। लास्ट कहें, सुधार नीतियों की असफलता। गरीबी को समाप्त करने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई, सरकारी नीतियां बनाई गई, लेकिन इन नीतियों के पीछे राजनीतिक दृढ़ता, प्रशासनिक सुदृढ़ता या प्रशासनिक व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वह हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, आज तक हम गरीबी नहीं हटा पाए। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाओ को लेकर के चलाया गया था, लेकिन वह भी कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। बहुत सारी रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबी को हटाने के लिए, लेकिन नहीं है। मनरेगा चल रहा है वर्तमान में, तो हम देखें तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे घोटाले हमको नज़र आते हैं, उजागर होते रहते हैं। तो जो नीतियाँ होनी चाहिए गरीबी को हटाने के लिए या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए, वह नीतियाँ सफल नहीं हो पा रही हैं या उनको प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था है, जनसंख्या रोकने के लिए कब से सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा। अगर जनसंख्या नियंत्रण की जो नीतियां हैं उनको ही प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो सुधार की नीतियां जो बनाई हैं सरकार ने, वे असफल हो रही हैं। तो ये जो सारे कारण हैं ये गरीबी के लिए उत्तरदायी कारकों के रूप में देखे जाते हैं। अगले वीडियो में हम गरीबी हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए
क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।